नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और खबर नतीजों से जुड़ी हुई है। जी हां, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की मतगणना 8 बजे से यानी अब शुरू हो चुकी है और 90 विधानसभा सीटों का रिजल्ट आ जाने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। धारा 370 डिलिमिटेशन के बाद ये जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। एग्जिट पोल में बताया गया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का पलड़ा भारी है, लेकिन अब नतीजे क्या कहेंगे इस पर भी नजर। कुछ ही घंटों में तस्वीर साफ होने लगेगी। 370 हटाए जाने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है और जम्मू कश्मीर, जहां आपको बता दें पूरी की पूरी सीटों पर बीजेपी नहीं लड़ रही है। बीजेपी 90 में से 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बाकियों पर उसने इंडिपेंडेंट सहयोगियों को, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया है। कश्मीर घाटी की 57 सीटें और बीजेपी ने घाटी की 28 सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। तो छोटे निर्दलीय हैं, उनको बीजेपी सपोर्ट करने वाली है। और यहाँ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की आप बात करें तो 85 सीटों पर जो है चुनाव लड़े जा रहे हैं इनकी तरफ से, और नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 पर तो कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। अब आज जो है वो नतीजों का दिन है। तो जम्मू कश्मीर में किसकी बनेगी सरकार और क्या कुछ रुझान आएंगे वो भी हम आपको बताते चलेंगे। लेकिन इस वक्त सियासी सरगर्मियां किस तरह की है वहाँ पर दावे कई हो रहे हैं, इसे समझ लेते हैं। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आज नतीजों का दिन है जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद, डिलिमिटेशन के बाद, ये 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। वहीं हरियाणा की हम बात करें तो वहां पर भी नतीजे आने वाले हैं। आज का दिन आप क्या कहेंगे, किसके लिए खुशियां लेके आने वाला है या वक्त से पहले कौन दिवाली मनाने वाला है? मनोजी को शायद आवाज से ही मिल रही है हमारी, हम कोशिश करेंगे दोबारा उनसे संपर्क कर सकें। देखिए, जम्मू कश्मीर का ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, जिनमें कई मुद्दे उठे और पर्यटन का भी मुद्दा रहा। खासतौर पर बीजेपी ने ये भी कहा कि देखिए इतनी ज़्यादा तादाद में जो टूरिस्ट अब आने लगे हैं पहले नहीं होते थे, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कई दावे किए हैं और बताया है उन्होंने। और यहाँ डर कांग्रेस के नेताओं को भी इसलिए लगा या बड़े नाम जो चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे थे, जिनमें फारूक अब्दुल्ला हैं या रोन सज्जान हैं, ये दो दो सीटों पर अपनी जो दावेदारी उन्होंने पेश की और उससे अंदाज़ा लगाया गया कि देखिए सभी चाहते हैं इस बार, क्योंकि बहुत एक तस्वीर बदली हुई है जम्मू कश्मीर की इन 10 सालों में, और 10 साल बाद बड़ी तादाद में लोगों ने मतदान किया है। और पिछली बार यानी 2014 में जो तस्वीर थी उसमें पीडीपी 28 सीटों पर विजय प्राप्त करने में विजय प्राप्त की थी उसने, और वहीं हम बीजेपी की बात करें तो 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 मिली थी, कांग्रेस को 12 मिली थी, सज्जाद लोन 2 और अन्य जो थे उनको 3 सीटें मिली थी। तो ये 2014 की तस्वीर थी, लेकिन अब 2024 यानी 10 साल बाद ये तस्वीर क्या बनेगी इस पर भी नज़र है। और चलिए हम और भी तस्वीर को और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आज जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि जम्मू कश्मीर में आज नतीजे आ रहे हैं और 10 साल बाद अब नई सरकार जम्मू कश्मीर को मिलने जा रही है, वो भी धारा 370 हटने के बाद। अब जनता ने क्या सोचा है, वो किसके पक्ष में मतदान करके आई और आज क्या कुछ किसकी किस्मत में क्या कुछ लिखा है उसने साफ हो जाएगा, यानी नतीजे आएंगे। लेकिन आज वक्त से पहले दिवाली कौन मना सकता है, आपको क्या लगता है? क्योंकि एग्जिट पोल ने सीधे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनाते हुए दिखाई है। देखिए बिल्कुल वारुण, की कांग्रेस एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था और बीजेपी निर्दलियों के भरोसे, बीजेपी को उम्मीद है कि जो परिसीमन के बाद पहले से 3 सीटें बढ़ी उनमें से 2 सीटें जम्मू रीजन में बढ़ी है और 1 कश्मीर में, तो बीजेपी चाह रही है कि जो 40 से ज्यादा सीटें जम्मू रीजन की हैं उसमें से वो अधिकतम सीटें जीत ले, क्योंकि घाटी में तो कई जगह उन्होंने चुनाव लड़ाई नहीं, उम्मीदवार ही नहीं उतारे हैं, तो ऐसे में ज्यादा संभावना इसी बात की है कि वो निर्दलियों के सहारे रहेगी और बीजेपी का घाटी में खाता खुल जाए,
इसकी संभावना नगण्य ही है। तो ऐसे बीजेपी चाहेगी जम्मू रीजन में, जहाँ की दो चुनाव से उसने अच्छा किया है, लोकसभा की बात करें या विधानसभा की, तो वहां वो अच्छा परफॉर्म करे। और अगर वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरती है, यानी कांग्रेस और एनसीपी से ज्यादा सीटें अगर वो ले आती अपने दम पर 30+, तो फिर बीजेपी कोशिश करेगी कि जो छोटे दल है निर्दलीय, उनके साथ मिलकर वो सरकार बना ले। क्योंकि जो एक संभावना थी कि पीडीपी के साथ गठबंधन हो सकता है, तो पीडीपी ने पहले ही कह दिया है, जो नतीजा जो एग्जिट पोल आया उसके बाद, कि अगर वो संभावना बनती है तो वो कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस के गठबंधन के साथ जाना पसंद करेगी। तो ऐसे में अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एनसी बन जाती है, जिसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन राजनीति में अंतिम समय तक कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के सपने चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है, तो ऐसे में गवर्नर का रोल अहम हो जाता है। वो उन पर निर्भर करता है कि वो किस दल को न्योता दे। तो संभावना ऐसी बात की ज्यादा है कि वो बीजेपी को ही इन्वाइट करेंगे। और बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि जो जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में जो निर्दलीय लड़े हैं और इंजीनियर रशीद है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी 2.5 लाख वोटों से ज्यादा से, तो उम्मीद की जा रही है कि वो संभवतः बीजेपी के साथ उनके लोग जा सकते हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि उनको 2 से 3 सीटें जीत सकते हैं। खुद इंजीनियर राजपूत ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी 6 से 8 सीटें जीतेगी। इसके साथ ही कई सारे निर्दलीय जिनको बीजेपी का समर्थन हासिल है, तो बीजेपी अभी यही प्रार्थना कर रही होगी कि जो अभी तक रुझान बताए, जो माफ कीजिए एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाए, क्योंकि हरियाणा में जो संभावना जता रही है कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, और बहुत मुश्किल है कि वह बीजेपी हैट्रिक लगाए। तो ऐसे में बीजेपी चूंकि महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, तो एक नए हौसले के साथ जाना चाहेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो हार हुई है, भले उन्होंने 240 सीटें जीती है, सरकार बना ली है, लेकिन एक जो नैरेटिव विपक्ष ने खड़ा कर दिया है कि मोदी अपराजय नहीं है, उनको हराया जा सकता, हम हरा देंगे। क्योंकि 99 सीट जीतने के बाद जिस प्रकार से राहुल गांधी आक्रामक है, पूरा विपक्ष आक्रामक है, तो अगर बीजेपी इन दो में से एक राज्य में अगर सरकार नहीं बना पाती है, तो जाहिर सी बात है कि झारखंड और महाराष्ट्र में उसकी चिंता बढ़ेगी। और उसके बाद अगले साल जो दिल्ली में चुनाव होना है, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल अभी से केंद्र सरकार पर हमलावर है, वो और मोदी सरकार की परेशानी बढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर अब से कुछ घंटे बाद जब तस्वीर साफ हो जाएगी, तो बीजेपी के रणनीतिकार भी इससे अभी से तैयारी में लगे हैं, क्योंकि इंजीनियर रशीद जो कि एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, वो माना जा रहा है कि बीजेपी के तमाम सारे नेताओं से उनकी बैकडोर बातचीत हो रही है, क्योंकि उनको अवैध फंडिंग के मामले में वो जेल में थे। बारामूला से उन्होंने जो 2.5 लाख वोटों से चुनाव जीता था, दो बड़े दिग्गजों को उन्होंने चुनाव हराया था, जिसमें एक फारूक बेटा अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला भी है, जिनके बारे में माना जा रहा है कि अगर बहुमत मिलता है तो फिर वो जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ये अपने आप में बड़ा बड़ा रोचक हो जाएगा कि आखिर अब जम्मू कश्मीर की जनता ने किसकी किस्मत में क्या लिखा है, क्या रशीद की किस्मत चमकेगी, भारतीय जनता पार्टी को आगे क्या दिखाएगी। और उसके बाद जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी बीजेपी को फिर और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर उनके पक्ष के हिसाब से या उनके अनुमान के हिसाब से नतीजे नहीं मिलते हैं। तो बहरहाल अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होना शुरू हो गई है और रुझान आना शुरू हो गया, हम जल्दी अपने दर्शकों को बताएंगे। मनोज जी, मैं लौटूंगी आपके पास अगली खबर पर भी, आपसे हम जानकारी लेंगे।